दर्शकों, स्वागत है आपका फिर से एक बार न्यूज डीएनएन की खास पेशकश दास्ताने कामयाबी। अब आप दर्शक नहीं रह गए हैं, कहीं ना कहीं न्यूज डीएनएन के परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। तो भाइयों और बहनों, हम आज आपकी मुलाकात इस सफर में, इस दास्ताने कामयाबी के सफर में, जो कि एक आम आदमी का खास सफर है, मुलाकात करा रहे हैं साबिर अली जी के साथ। साबिर अली जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आपका न्यूज़ डीएनएन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हैं हम आपके कि आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। दर्शकों, आप जानते हैं कि ये जो सफ़र है आम आदमी का, बहुत मुश्किलों भरा होता है। जब वो कामयाब हो जाता है तो दास्तानें हज़ारों बन जाती हैं, हज़ारों कारवां बन जाते हैं, लेकिन सफ़र उस व्यक्ति ने शुरू कैसे करा। हमारा उद्देश्य इस दास्ताने कामयाबी के पीछे सिर्फ एक है कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ी नाकामयाबी होती है। कामयाबी का जिक्र दुनिया करती है, लेकिन नाकामयाबी का जिक्र जुबां पर भी कोई नहीं लाना चाहता। लेकिन कहीं ना कहीं उस कामयाबी के पीछे वो नाकामी ही होती है जो उसको एक खास व्यक्तित्व प्रदान करती है, खास बनाती है। और यही हमारी ये दास्तां है, एक आम आदमी का खास सफर। साबिर अली जी, आज आप बहुत चर्चित चेहरा हैं, आपको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, होटेलियर हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी में आपकी है, राजनीति के बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित चेहरे हैं। बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। और ये जो सफ़र है, इसकी जो खासियत है, आपने अभी हमारे साथ जानी। हम इसको इसलिए सफ़र को तय करते हैं हर किसी खास व्यक्ति के साथ कि कहीं ना कहीं जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसको दुनिया की चकाचौंध तो दिखती है, लेकिन उस चकाचौंध के पीछे जो मेहनत है, शायद वो उसको करने को तैयार नहीं है, स्वीकार नहीं कर पाते, अपने माँ बाप की विवशताओं को स्वीकार नहीं कर पाते, या कहीं ना कहीं माँ बाप उनको वो बताना नहीं चाहते कि भाई हम इतने ही योग्य हैं, यही हमारी सामर्थ्य है। और उस सामर्थ्य का ना बता पाना हज़ारों दुष्परिणाम हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, सुसाइडियल टेंडेंसीज हैं, और कहीं ना कहीं हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं। मैं आपकी इन सभी बातों से सहमत हूँ, और मुझे लगता है आपकी जो पहल है ये समाज में एक नई आयाम लिखेगा। मैं इसकी कामना करता हूँ और इसके लिए मैं प्रार्थना भी करता हूँ। बहुत बहुत मैं समझता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा प्रजातंत्र का ये मुल्क दुनिया की नज़र में और इस देश के एक एक शख्स की नज़र में, और मैं इसको दिल से मानता हूँ कि हमारा जो अभी तक बचा हुआ कल्चर है, दुनिया के बेहतरीन कल्चरों में से एक है। मैं इसको सबसे बेहतर भी कह सकता हूँ, लेकिन अब वो उस कगार पे जा रहा है जहाँ पर मिलावट शामिल होने लगी है, और उससे हमारी कल्चर, हमारी सभ्यता, हमारी सोच आने वाले नई पीढ़, आपने जो ज़िक्र किया उसमें सब लोगों को इस बार कम से कम अब सोचना पड़ेगा कि अपने आने वाली नस्लों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करें, कैसी बातें करें, किस बातों को ज़्यादा तरजीह दें, इस पर सबको विचार करने की सख्त ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि जैसा आपने कहा कि एक बार कोई शख्स अगर कामयाबी की मंजिल को छू लेता है, नई मंजिल को छू लेता है, तो पुरानी चीज़ों को भूलना चाहता है या कोशिश करता है, लेकिन मेरे लिए ये समझ से परे है। कम से कम मैं ये कह सकता हूँ आपको बड़ी दयानतदारी, ईमानदारी के साथ कि मेरे ज़िंदगी में जो भी हमने अच्छे बुरे तजुर्बे किए, मैं अपने बच्चे को वो शेयर करता हूँ। बहुत सुंदर। और मैं इसमें अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मेरे बच्चे उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में अपनी ज़िंदगी में ले रहे हैं और लिया है। इसमें मेरी पत्नी का भी बहुत बड़ा रोल है। आप अपने परिवार की परवरिश किस हिसाब से देते हैं। मैं छोटा एग्जांपल, एक दिन मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि इसराइल में जब महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं
तो माँ बाप दोनों ये पहले तय करते हैं कि इस बच्चे को करना क्या है, इस बच्चे को किस फील्ड में लेके जाना है। और उस वक्त से 3 महीने की जब गर्भवती हो जाती हैं, जब बच्चे की शक्ल अख्तियार कर लेती है, तो फिर आपस में जब बात करती है, वार्ता होती है, गुफ्तगू सुनूद होती है, तो वो तय करते हैं कि हमें बात क्या करना है, हमें घर का माहौल कैसा देना है, घर में किस तरह का एनवायरनमेंट रखना है, हमारे यहाँ कौन आएगा कौन नहीं आएगा, हम टेलीविज़न पे हमारी जो महिला है वो क्या देखेगी। इवन आम बात पर अगर बच्चे को मैथमेटिशियन बनाना है तो मैथमेटिक्स की बात करते हैं, अगर उनको डॉक्टर बनाना है तो उस चीज़ों को पढ़ेंगे, कम से कम अगर नहीं जानकारी है तो उसकी चर्चा करते हैं। हमें उससे सीख लेनी चाहिए। दुनिया की कोई भी जाति, कोई भी धर्म अगर अच्छा काम करता है तो ज़रूरत इस बात की है हर माँ बाप को, हर पड़ोसी को, हर शख्स को उससे अच्छा से पढ़े। अभी आपने जैसा कहा कि बड़े जल्दी से किसी मुकाम को पा लेने की ललक में हम बड़ी शॉर्टकट, बड़ी तेज़ रफ्तार से गाड़ी को बगैर सिग्नल देखे, बगैर दाएं बाएं देखे दौड़ रहे हैं, इसी में एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आपका चैनल, आपका ये इंटरव्यू जो हर लोगों के साथ आप कर रहे हैं, समाज में एक परिवर्तन का, एक बहुत बड़ा न्यू नील का पत्थर साबित हो सकता है। और मेरी कामना है कि ये आपकी ये सोच है, हम चाहेंगे इस देश के हर शख्स के पास पहुँचे और उस पर अमल करें। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों के साथ, जो आपका बचपना था, किस पारिवारिक परिवेश से आप निकल, देखिए दुश्वारियां तो होती ही हैं, चाहे हम कितने भी संपन्न हों, बिल्कुल, चाहे कितने भी धार्मिक हों, ऐसा नहीं होता कि अगर हम इंसान के उसमें आए हैं तो हमें परेशानियां नहीं होंगी। अमीरी गरीबी तो एक सोच है, बिल्कुल, दुनिया में सबसे अमीर इंसान वो है जो किसी के आगे हाथ ना फैलाए सिवाय उस खुदा के। हम अपने दर्शकों के लिए ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसे परिवेश में था, आपके माता पिता ने आपके साथ क्या योगदान दिया जो आज आप इस पोजीशन पे बैठे हैं, क्योंकि बिना माँ बाप के योगदान के कोई भी व्यक्ति संपन्न तो हो सकता है, लेकिन धार्मिक रूप से संपन्न होना, आध्यात्मिक रूप से संपन्न होना और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा रखना, ये बिना माँ बाप के आशीर्वाद के नहीं। आपने ठीक कहा, हर धर्म में ये लिखा है कि माँ बाप, माँ की गोद सबसे पहला स्कूल है और उसकी परवरिश उसके ज़िंदगी का सबसे पहले सफ़र तय करने का माध्यम है। मैं आपको यूँ बता दूँ, हम तो बिहार के चंपारण ज़िले के एक छोटे से गांव में हमारी पैदाइश हुई। मेरे फादर एक मध्यम वर्ग के किसान हैं, आज वो जीवित हैं, मेरी माता जीवित नहीं हैं। गांव में पैदाइश हुई, हमें खुद भी पता नहीं कि मेरी पैदाइश की तारीख क्या है, क्योंकि गांव में ऐसी होती थी। और 5 भाई होने के नाते फादर पे अकेले जिम्मेदारी थी सबको पढ़ाना। 2 चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती हैं, एक उनके ज़रिए कहा गया था मेरे माँ को कि हमारे बच्चे को कभी खाने में और दवा में और पढ़ाई में, 3 चीज़ में अगर हमारी दौलत लूट जाती है तो लूट जाने दो। वाह, मैं समझता हूँ कि उसी का परिणाम है कि ऐसी भी वक्त आए जब किसान कोई बड़ा हो या छोटा, हम तो मध्यम वर्ग के किसान हैं, तो मुश्किलात रोज़ आती है, एक दिन ही बिल्कुल रोज़ आती है। जब फसल के 2 महीने 2 साल में एक एक महीना है तो वो थोड़ा सा आराम का दिन रहता है, उसके बाद तो चूंकि लाखों की संपत्ति खुले में पड़ी है बिना इंश्योरेंस के, तो उसके लिए वो 1-2 महीना के छोड़कर बाकी दिक्कतें होती है, चूंकि अनाज बेचना है, गन्ना बेचना है, उसी का से हर चीज़ करना है, चाहे वो पढ़ाई हो, दवा हो, कपड़ा हो, घर का खाना हो, हर चीज़ हो। कोई किसान ऐसा नहीं है कि हर चीज़ उपजाता हो, और हम लोगों की ज़रख़ेज़ ज़मीन उतनी है, लेकिन वहाँ आइडेंटिफाइड है कि हमारे यहाँ क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, तो बाकी चीज़ें आपको मार्केट से खरीदनी है। तो दुश्वारियाँ ज़िंदगी में हम लोगों ने बहुत देखी हैं, और मैं समझता हूँ कि उन दुश्वारियों का कभी मेरे पिता ने और माता ने एहसास नहीं होने दिया। जब हम बड़े हुए तब एहसास हुआ कि ये लोगों ने इतनी दुश्वारियाँ उठाई हैं, क्योंकि जब समझ होती है आप 12, 15, 16 साल की उम्र तक आपको ये समझ में नहीं आता कि मेरे माता पिता किस दुश्वारियों का सामना करके आपको जो चीज़ मुहैया करा रहे हैं वो कैसे आ रहा है, उसके बाद एहसास होता है। हमारा तो ऐसा रहा कि पहले मैं बचपने में, चूँकि हमसे 3 बड़े भाई थे, मैं 4th नंबर था, उसमें से एक पढ़ चुके थे नौकरी, जब मैं होश में था, तो मेरे बड़े एक भाई नौकरी में थे सरकारी, 2 पढ़ रहे थे। तो फादर को चूँकि हॉस्टल में रखना, हर चीज़ का, किताब का फीस, सब थोड़ी दुश्वारी तो थी ही, तो मुझे कुछ दिनों के लिए उन्होंने मदरसे में डाल दिया जी, जहाँ फीस कम थी जी।
6 साल जब मेरी उम्र 9-10 साल की हो गई तो ऐसा लगा 10-11 साल की कि मैंने कहा कि मैं मुझे मदरसा में अब अच्छा नहीं, चूँकि हमारे अपने रिश्तेदारी में हमारे घर के अगल बगल चचा ताऊ सबके बेटे वोटे सब स्कूल जाते थे, मैं मदरसे से जाता था, तो आता था लगता था कि मुझे भी स्कूल में जाने के बाद रोज़ फ्रीडम है, मदरसे में फ्रीडम नहीं है। तो वो एक फितरत के हिसाब से कि हमको फ्रीडम 24 घंटा बिल्कुल अंडर ऑब्जर्वेशन है और ये लोग भाई स्कूल गए उतना ही देर इनके पास पाबंदी है, उसके बाद घर आके खेलते हैं, शाम को खेलते हैं, सुबह जाते हैं, रोज़ 4 बजे के बाद फ्री हो जाते हैं, हम तो 24 घंटा हमारे पाबंदी में हैं। तो मैंने अपने बड़े भाई से कहा कि भाई मैं किसी भी कीमत पर मदरसा नहीं जाऊँगा, अगर मुझे पढ़ाना है तो मुझे स्कूल ले कर चलो। खैर चूँकि पढ़ने में मैं थोड़ा ठीक ठाक था ये कह सकता हूँ, उन्होंने घर पर ट्यूशन दिया और मुझे डायरेक्ट ले आके 8वीं क्लास में स्कूल के हाई स्कूल के हमारे ज़िला के मुख्यालय में एडमिशन कराई, टेस्ट दिया, टेस्ट में प्रिंसिपल ने रिटन टेस्ट ली, मेरी सर्टिफिकेट 7वीं पास की थी मदरसे की, रिटन टेस्ट ली और हमारा एडमिशन ले लिया। लेकिन 3 महीने के रिटन में पढ़ाई में मदरसे से जहाँ मैं सिर्फ अरबी फारसी पढ़ा करता था, उर्दू पढ़ा करता था, 3 महीने में इंग्लिश पढ़ाया, मैथमेटिक्स पढ़ाया, और 8वीं क्लास में जब मैं एडमिशन लिया तो 9वीं क्लास में जब मेरा टीचर ब्लैक बोर्ड पर, ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी एक्सपीरियंस है मेरे लिए, कि जब वो मैथ के फॉर्मूला लिखते थे तो मेरे तरफ टीचर पलट के देखते थे, क्योंकि मैं, मेरा भाई वो भी साइंस का स्टूडेंट था, बहुत अच्छा स्टूडेंट था और मुझे सब सब्जेक्ट को छोड़ देता था, मुझे मैथ लेके बैठ जाता था पढ़ाने के लिए, तो मेरा मैथ बहुत अच्छा हो गया था। मैट्रिकुलेशन मैंने किया अपने मुख्यालय से, ज़िला मुख्यालय मोतिहारी से, उसके बाद फिर मैं आ गया मुजफ्फरपुर जो बिहार यूनिवर्सिटी है, वहाँ साइंस का मैं स्टूडेंट रहा। फिर मेरे बड़े भाई का ऐसा मन था कि चूंकि उसको मैथ में वो था कि बोला कि तुम इंजीनियरिंग कर लो, उन दिनों में डोनेशन के कॉलेजेस बहुत बिहार में बिल्कुल ना के एक था, सिर्फ कंपटीशन से देना होता था, तो उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो दो बार अटेम्प्ट किया था IIT के लिए, उसका नहीं हुआ था, बोला कि मैं जो नहीं कर सका वो तुम करो, कहीं ना कहीं अपनी आँखों में उन्होंने वो सपना सजाया था जो आपके थ्रू। सो इंटरमीडिएट के बाद जब मैं फॉर्म में ऑप्शन दिया है कि आप कहाँ सेंटर लेना चाहते हो, IIT का फॉर्म भरा, तो मैंने मुंबई भर दिया, बोला इसी बहाने हम घूम भी लेंगे, एक भाई था कि इसी बहाने, चूँकि जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो टिकट मिलेगी, सब खर्च मिलेंगे, तो मैंने मुंबई का भर दिया। एग्ज़ाम देने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से शुरू में पढ़े फिर इंग्लिश में गए, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दुश्वारियाँ थी, और फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT निकालना थोड़ा सा, चूँकि उस तरह का माहौल नहीं मिल पाया था, मेरी केमिस्ट्री कमज़ोर थी, मेरी मैथमेटिक्स फिज़िक्स ठीक था, तो एग्ज़ाम देने के बाद आदमी इवेलुएट करता है कि मैं कितने मार्क्स का लिख क्या है क्या है, वो तो समझ में आता है, लड़के 6-6, 7-7 लाख एपियर होते हैं। तो खैर हम मुंबई गए रहने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब क्या करना, मैं लौट के आया, फादर से कहा कि मुझे लगता है, भाई से ईमानदारी से कहा कि लगता है मेरा नहीं होगा, मुझे आप पटना रख दो कोचिंग करने के लिए। फादर ने कहा कि ये पॉसिबल अभी नहीं है, तुम्हें अपने से घर बैठ के अगर मेहनत करना हो या तुम ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लो। तो उस वक्त मैं फादर के बात से सहमत मन से नहीं था जी। तो चूंकि मैं मुंबई जाके 8 दिन रह के आया था, तो मैं सोचा कि यार मैं एडमिशन ले लेता हूँ और देखता हूँ, अब तो चूंकि इकोनॉमिकल कंडीशन घर की इतनी अच्छी नहीं है और फादर ट्यूशन नहीं पढ़ा पाएंगे, तो फिर जो मैं चाहता हूँ वो मिल नहीं रहा है, तो सिंपल ग्रेजुएशन तो मैं कहीं रह के कर लूँगा, ऐसा लगा कि मैं जिस दिन डाइवर्ट करूँगा मैं कर लूँगा। तो एक आदमी जब कोई थोड़ा सा अच्छा कर लेता है तो दिमाग में खुमार भी आ जाती है, खुमार आ जाता है, मैं तो उसको खुमार कहूँगा, हौसला हो तो अच्छा है, खुमार हो तो बुरा है, वो मेरे लिए बुरा था, वो खुमार आ गया था। तो मैंने कहा एडमिशन लेके और फिर मैं मुंबई फिर निकल गया जी। फादर को कहा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो उनके मन में बहुत उसकी सहमति नहीं थी, मन में नाराज़गी रही होगी ना, उन्होंने जाते वक्त दो बातें कही कि बोले ज़ुबान और जिस्म के दूसरे पार्ट पे सिर्फ अपने काबू रखना, दुनिया में कहीं रहोगे कामयाब हो जाओगे, ये उनकी दो शब्द एक ही शब्द में दो बातें उन्होंने कहा, बोला जो करना चाहो ये तो तुम्हारी मर्ज़ी, मेरी मर्ज़ी नहीं है, लेकिन तुम जाना चाहते हो तो मैं रोकता नहीं हूँ। फिर मैं मुंबई चला गया, मुंबई जाने के बाद कुछ दिनों तक भटकता रहा, वहाँ हमारे कुछ रिश्तेदार थे, इत्तफाक से किसी के साथ मुझे पार्टनरशिप में बिज़नेस करने की ऑफ़र आ गई, वर्किंग पार्टनर, नॉट एज ए कैपिटल पार्टनर, एज ए वर्किंग पार्टनर, चूँकि मैं उसके काम को देखता था, वहाँ बैठना था, एक आध महीने बैठा, वो देखा कि शायद मैं ये काम कर सकता हूँ, तो गुजरात के रहने वाले थे, गुजराती थे, उनको लगा कि ये लड़का मेरे साथ अच्छा कर सकता है, उन्होंने पार्टनरशिप ले ली। एक साल उनके साथ करने के बाद मुझे लगा कि मैं अच्छा कर जाऊंगा,
बहुत सुंदर। उन्हें भी लगा वो आदमी बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा कि यार अगर तुम अपना अकेला करना चाहो तो तुम मेरी तरफ से फ्री हो, मैं तुम्हारी प्रतिभा को मैं अपने साथ बांधना नहीं चाहता। ये उनकी ग्रेटनेस थी। फिर मैं अपना बिज़नेस शुरू कर दिया, शॉप भाड़े पे ली, बिज़नेस को डाइवर्ट किया, रियल एस्टेट में ही मैं शुरू किया। साबिर जी, जब आपने बिज़नेस शुरू किया, दर्शकों एक छोटी सी बातचीत आपके साथ करते हैं, इनकी आंखों की तरफ गौर से देखिएगा, बहुत सारे जो पिक्चरों में हम फ्लैशबैक देखते हैं, कितनी सुंदरता से इनकी आंखों में वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, अपने माता पिता का संघर्ष जो ये बयां कर रहे हैं, पिताजी की वो सीख, वालिद साहब ने जिनको बताया कि ऐसे ज़िंदगी में अगर तुम काबू रखोगे तो तुम एक सफल व्यक्तित्व हो जाओ, वो नशा वो खुमार जिसका इन्होंने जिक्र करा, उसके बारे में हम ज़रूर आपके साथ एक शब्द कहेंगे कि कुछ भी हो जाए हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि कामयाबी और नाकामी कोई ऐसा बहुत बड़ा ना तो फल है जिसको पा करके हम सब कुछ भूल जाएं, ना ऐसी कोई स्थिति है जो अगर हमें कामयाबी ना मिले तो हम निराश होकर के बैठ जाएं। सफ़र चलते रहना चाहिए, सफ़र चलता रहेगा तो कारमा तो बन ही जाएगा। साबिर अली जी, जिन बातचीतों को आपके साथ छोटे से शब्दों में कम समय में बांध रहे हैं, उसके मर्म को जानिए, उसके तत्व को जानिए कि कैसे इन्होंने मेहनत के दम पर बिना पैसा लगाए पढ़ाई करी, पढ़ाई के साथ साथ अनजान शहर में जाकर के व्यवसाय शुरू करा, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर इन्होंने प्रमाणित करा कि इनके अंदर वो गुण था जिसको कि इनके पार्टनर ने पहचाना और उसने सम्मान दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि धन दौलत से परे एक चीज है जिसको हम कहते हैं मेहनत, परिणाम वही देती है। बातचीत आगे जारी रखते हैं साबिर जी के साथ। साबिर जी, आपने बताया वो दुकान आपने ली और दुश्वारियाँ तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, दुश्वारियाँ देखिए ऐसा दुश्वारियाँ तो ज़िंदगी में, लेकिन मैं एक चीज़ को, मैं जब बचपने में पढ़ रहा था तो पर्शियन का एक बहुत बड़ा शायर जी, मैं पर्शियन पढ़ना ठीक नहीं है, उसमें चार लाइन ऐसा है, उसने कहा कि जो दिन तुम्हारे साथ गुजर गया जी, उसके लिए बहुत तुम दुखी मत हो, कल जो आने वाला है उसके लिए तुम बहुत फिक्रमंद मत हो, शब्दों को देखे, आज जो तुम्हारे पास मौजूद है उसमें तुम अच्छा करो। एंड आई बिलीव कि कल क्या परिणाम होगा, कल क्या होगा, उसके लिए अगर आज मैं सोचता बैठूं तो आज का दिन मेरा व्यर्थ हो जाएगा, कल जो चला गया अगर उसके लिए सोचूं तो मेरे जिस्म ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि चिंता से जिस्म जाती है, चतुराई जाती है। आज जो दिन हमारे पास इस वक्त मौजूद है उसमें अगर हम संघर्ष जारी रखेंगे तो कल अगर ख़राब भी रहा, कल आने वाला भी ख़राब रहा, तो आज का अच्छा किया हुआ कल वो आपको पर्दा डालेगा, कल आपको बल देगा। मैं इसको मानता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये मेरे जहन में था, दुश्वारियाँ जब नई दुकान लेना, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी सिर्फ एक बात काम आती गई कि कभी हमने ये नहीं सोचा कि कल क्या होगा। बहुत सुंदर, बहुत कल, हम ये सोचते हैं कि अगर हम अच्छे हैं, मुझे अपने आप में रोज़ शाम को 5 मिनट आकलन करना चाहिए। मैंने ज़िंदगी में आज भी ये मैं बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि कैमरा है, आई बिलीव मेरे परिवार के किसी शख्स से पूछोगे तो बताएगा कि अगर मैं शाम को ये सोच लिया कि हमने बात करने के क्रम में भी किसी को ऐसी बात कह दी जो नाजायज़ थी, मैं कोशिश करता हूँ अपनी ज़िंदगी में पलट के उससे उस बात के लिए माफ़ी मांगूँ। बहुत सुंदर, चूँकि इंट्रोस्पेक्शन जिसको ये बयां कर रहे हैं, अपनी हकीकत बयां कर रहे हैं, भले ही ये ऑन द कैमरा हैं लेकिन इनकी सच्चाई इनकी बातों से छलक करके सामने आ रही है। सिर्फ हम इंसान को आपके साथ इसीलिए मिलवाते हैं कि आप सिर्फ सच्चाई देखिए जी। तो ये हमेशा जहन में रहा और इसका चाहे मेरे साथ किसी ने कोई बुरा भी कर दिया तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम उसको, इंसान है, जहन में बुरा लगता है बहुत देर, एक क्षण के लिए बहुत गुस्सा भी आता हूँ, जुबान है कभी बिगड़ती भी है, इससे भी मैं गुरेज नहीं कर सकता, लेकिन फिर कुछ ही इस क्षण के बाद ऐसा लगता है ये उसकी सोच थी, अगर मैं भी वही सोचूं तो मुझ में और मुझे क्या फ़र्क है। इंसान, हर इंसान को ये ज़रूरी है ये सोचना, और मैं समझता हूँ कि अच्छी बात कर लेना ही बड़ी बात नहीं, उस पर अमल, अगर छोटी ही बात करें, कम ही बात करें, लेकिन उस पर अगर अमल करें तो ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा। इसी पर फिर एक बहुत बड़ा शायर पर्शियन का, दुनिया का सबसे बड़ा शायर, उस कहता है कि तुम इल्म जितना पढ़ लो
जितना भी ग्रहण कर लो, अगर तुम अमल उस पर नहीं करते हो तो तुम बेवकूफ़ हो। तो इल्म कम हो या ज़्यादा, अमल आप क्या करते हो बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ में है। हम पूरी दुनिया की किताबें पढ़ लें, अगर हम उसमें अमल ना करें, उसके विपरीत धारा में चले जाएं, तो उसका कोई सब व्यर्थ है। ज़िंदगी में ऐसे आपको एक नहीं लाखों उदाहरण मिलेंगे कि इंसान कम पढ़ा लिखा है लेकिन उसकी ज़िंदगी के व्यक्तित्व, उसकी सोच, मुझे लगता है सीधे आसमान को छूती है। बहुत ऐसा लोग, मैं बहुत से ऐसे लोगों को दिया कि उसकी डिग्री बहुत है, बात करेंगे तो मैं उनको कहता हूँ स्पॉइल जीनियस। ग्रेट ग्रेट वर्ड, ही इज़ अ जीनियस बट ही इज़ अ स्पॉइल, सो इज़ नो यूज़। आदमी को व्यवहार और सोच में स्थिरता ज़िंदगी को कामयाबी की तरफ लेके जाती है। और कठिनाइयाँ ज़िंदगी में, चाहे वो आदमी बड़ा हो छोटा हो, कठिनाइयाँ आती है। और हम लोग तो चूँकि जिस परिवार से आके यहाँ तक, चाहे वो राजनीति में कुछ भी मुझे तश्त में नहीं मिला, यानी प्लेटर में नहीं मिला, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल गॉडफादर मिला, शुरू से लेके स्ट्रगल करते करते कभी थके नहीं। जो जज्बा आपका अपने व्यवसाय में था, जो जज्बा आपका अपनी शिक्षा में था, हमें लगता है दर्शकों वही जज्बा इनका राजनीति में भी रहा होगा। अभी राजनीति के बारे में इनसे हम बात करते हैं। दो चीज़ें हमने इनसे डिस्कस कर दी, मध्यम वर्गीय परिवार, माता पिता का संघर्ष, खास करके पिता का संघर्ष, जिन्होंने दोनों दायित्व निभाए, माँ का दायित्व भी निभाया और पिता का भी निभाया। इनका वो संघर्ष, एक मदरसे से निकल करके स्कूल में आना, स्कूल में अपने आप को एस्टैब्लिश करना और अग्रिम पंक्ति में आकर के खड़े होना, उसके बाद बॉम्बे जाना, मुंबई जा करके वहां पे व्यवसाय शुरू करना, किसी के साथ पहले काम करना और उसके बाद व्यवसाय में स्थापित करना। कैसे स्थापित हो गए होंगे उसके बारे में हम आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने सब कुछ बता दिया। पढ़ने से ज्यादा करना जरूरी है, पढ़ाई तो बहुत अच्छी चीज है, होनी चाहिए, लेकिन साथ के साथ इंसान को उस कढ़ाई के लिए भी तैयार हो जाना चाहिए कि इफ आई हैव लर्न आई विल हैव टू इंप्लीमेंट दोस थिंग्स इन माय लाइफ। दोस्तों, साबिर जी ने राजनीतिक सफर कैसे शुरू करा, कैसे उसकी दुश्वारियों को ऊपर निकल करके अपने उस दायित्व को समाज के लिए, देश के लिए हित में लगाया, साबिर जी से हम जानना चाहते हैं। जब मैं ऐसा लगा कि मुझे उतनी स्ट्रेंथ मेरे अंदर आ गई है कि अब मुझे अपने काम के लिए, परिवार के लिए उतनी हमारी पास अर्थ है कि कहीं जाना नहीं पड़ेगा। बचपने में जो देखा था कि राजनीति का एक बहुत बड़ा योगदान है समाज को मजबूत करने में, उसको आगे ले जाने में, लोगों की समस्याओं को हल करने में, उस वक्त वहाँ तक देखा था, तो एक जहन था उसको आगे बढ़ाने के लिए। फिर वो फ्लैशबैक में गया, मेरे जहन कुरेता रहा कि नाउ व्हाट, अगर मैं जहाँ हूँ इससे बहुत आगे भी चला जाऊँ, मेरे अकाउंट में अगर 5,000 करोड़ भी आ जाएगा, देन व्हाट नेक्स्ट। ग्रेट, तो उतना तो आया नहीं था लेकिन वो जहन में मेरे फिर वो चीज़ें कुरेदने लगी। और यही वजह था कि मैं, मेरा जहन फिर, चूँकि बिहार से, और ये भी कहूँगा कहने में कोई संकोच नहीं कि वो जो DNA था बिहार का और घर का, परिवार का, राजनीति का, वो फिर कहीं ना कहीं उबाल खाने लगा जी। तो राजनीति की तरफ फिर मैं डाइवर्ट हुआ। मुंबई शहर में रहते हुए वहाँ एक बड़ी पार्टी थी जनता दल, जब बड़ी पार्टी हुआ करती थी, विपक्ष में थी, उसका मैं पार्टी का प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी बना। पार्टी विखंडित हो गई, सब पार्टियाँ टूट गई, कम से कम 6-7 पार्टियाँ बन गई। समाजवादी अलग हो गया, बीजू जनता दल आ गया, RJD अलग हो गया, फिर जनता दल यूनाइटेड रह गया, फिर शरद यादव गए, देवी गौड़ा एक साथ रह गए, फिर ये भी बट गए, फिर वहाँ बिल्कुल पार्टी नामो निशान बाकी रह गई। चूँकि मुझे राजनीति में जाना था, फिर मैं अपने आप को बिहार की, जहाँ मेरी धरती थी, वहाँ लेके गया और राजनीति फिर वहाँ से हमने शुरू की और संघर्ष किया, इलेक्शन लड़ा, उसमें हारा बहुत कम वोट से, बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा वोट आया, लेकिन चूंकि रूलिंग पार्टी के साथ नहीं थे, अपोजिशन के साथ थे, और ऐसा इत्तेफाक बना कि 2018 में जिस पार्टी में सिर्फ 10 MLA थे, 40 वोट की ज़रूरत थी, उस पार्टी से मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के राज्यसभा आया। बहुत से आप समझ सकते हैं कि ये हिम्मत की बात थी कि मेरे जैसा नौजवान लड़का सिर्फ 10 MLA हो और 40 विधायक चाहिए और हामी भर ले कि ठीक है हम इलेक्शन लड़ेंगे, और मैं जीत के आया। बहुत से साबिर जी, चलते चलते आपने अपनी सारी यात्रा बता दी, सारा सफ़र बता दिया,
हम सिर्फ अपने दर्शकों के लिए, खास करके युवा वर्ग के लिए क्या मैसेज आप देना मैं कहता हूँ कि पहले अपने आप को टटोलो। शॉर्टकट लाइफ में कभी किसी को मंजिल तक नहीं पहुँचाते। इट इज़ डेफिनेट एक्सीडेंट है। संघर्ष करो, सोच में आप एकाग्रता लाओ, आप उसमें मुस्तहकम रहो, अपने मंजिल अपने टारगेट फिट करो, और रास्ता कितनी भी कठिन हो, और जब मंजिल बहुत ऊंचा हो तो जब रास्ते में छोटे पत्थर हों उस ठेस से मत डरो, उस पीड़ा को सहन करो। अगर मंजिल सामने है तो ज़रूर मिलेगी। माँ बाप, परिवार और संस्कृति। मैं समझता हूँ ज़िंदगी में सबसे अहम है माँ बाप। संस्कृति अगर चली जाएगी तो दुनिया में कुछ भी पालोगे आप। वेस्टर्न कल्चर आप चले जाओ, वेस्टर्न में चले जाओ, सब कुछ है उनके पास। यकीन मानो, जी मैं ये दिल से मानता हूँ, उनके पास कुछ भी नहीं है। और वो ये है कि उनके ना जहन में सुकून है ना उनका कल्चर है। इसलिए मैं मानता हूँ अभी भी मेरा देश उन सब से परे है और बेहतर है, लेकिन आने वाली पीढ़ी की ये जिम्मेदारी है कि इसको बचाए रखें, इस धरोहर को। और उसके लिए थोड़ा सा शॉर्टकट से बचें, अपने लोगों के साथ, पड़ोसियों के साथ, बड़ों के साथ, माँ बाप के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, सबके साथ हमारी व्यवहार क्या होना चाहिए, इसकी सबक पहले लें। दोस्तों, हमारी खास पेशकश दास्तान कामयाबी, एक आम आदमी का खास सफर। ये साबिर जी आज खास व्यक्तित्व, लेकिन इस खास व्यक्तित्व के पीछे बहुत सारे आम लोग थे, और उस आम लोगों में इनके माता पिता थे, इनके भाई थे, इनके दोस्त यार थे, इनके वो पार्टनर थे जिन्होंने इनको आज एक पहचान दी। लेकिन उस पहचान के बावजूद, इनका व्यक्तित्व खास होने के बावजूद भी आज एक आम है जो उन सारी चीज़ों को पहचानता है, जानता है और महसूस करता है कि देश की उन्नति के लिए, व्यक्ति की उन्नति के लिए, उसके उत्थान के लिए सबसे ज़रूरी एक चीज़ है उसका जड़ों से जुड़ करके रहना, अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से और अपने देश से। मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा और बड़े सारे मेहमान आएंगे। साबिर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त बहुत दिया, बहुत धन्यवाद अपने देश के युवाओं के लिए, आपके सोच के लिए, आपके इस आगाज के लिए। ये लंबी सफर तय करें और देश में अच्छा परिवर्तन, इसका असर पड़े परिवर्तन में, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। दर्शकों, बहुत बहुत